गिफ्ट ले लूँ है ना इनसे, रहने दो मुझे नहीं चाहिए। अराइवल्स गेट नंबर 2, यहाँ पे दोस्तों गेट नंबर 2 चलते हैं अंदर, एयरपोर्ट जैसा बना दिया है। और यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, कौन सा गेम है फिलहाल, अमेजिंग लग रहा है दोस्तों, ज़रूर आना। ओ माय गॉड इसको क्या हो गया, ये है पीपल्स मॉल का एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट रहता है ना वैसा ही का वैसा बना दिया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको यार बंद कर दिया है, देखो ये यहाँ से मतलब पानी वगैरह जाता होगा वहाँ से जाते हो, अभी तो ये बंद चल रहा है पता नहीं क्यों। और बिल्कुल पूरा का पूरा लुक एरोप्लेन, मतलब जो एयरपोर्ट नहीं रहता ना, यहाँ से देखिए निकास यानी कि एग्जिट काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऊपर भी है लेकिन अभी तो ये बंद चल रहा है। दोस्तों क्या बताऊँ मैं, अभी इतना ही मतलब भार है ना देखने के लिए कि अपन अंदर अभी पहुँच नहीं पाए, मतलब बहुत सारा है यहीं पे घूमने के लिए। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगी, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। ये गेम वगैरह है कुछ बंद पड़ा है। भाई साहब मतलब भीड़ तो यार यहाँ पे ना पड़े तो फिर कहाँ पड़ेगी, ये जाना ही जाता है इसीलिए कि यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं रोज डेली, अभी भी होंगे बहुत सारे लोग। इतना मेंटेन मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक अब अंदर चलना चाहिए क्योंकि फ़ोटो वगैरह तो लास्ट में खींचनी चाहिए जब पूरा घूम लो, तुरंत से फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए। ये सेल चल रही है, कुछ भी ले सकते हैं आप, बैग वगैरह घड़ी जो भी आपको ख़रीदना। और चलते हैं अंदर जिसके लिए अपन यहाँ पे आए हैं। यार गाइस लाइन लगी है टिकट के लिए, अभी लाइन में नहीं लगूंगा, जब भीड़ हट जाएगी ना तो यहाँ से टिकट मिलता है, टिकट मिलने के बाद आप अंदर पहुँच जाएंगे और यहाँ से निकलते हैं। सो अभी थोड़ा भीड़ हट जाने तो फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि एक बार अंदर गए ना तो बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, अगर बाहर आ गए तो वो टिकट बेकार हो जाएगा, इसीलिए आप थोड़ा पहले यहीं घूम लीजिए। और गाइस वीडियो लंबी होगी तो इसके 2 या फिर 3 पार्ट हो सकते, तो इसीलिए और मज़ा आएगा। देखिए कितनी भीड़ की लाइन लगी है टिकट के लिए, भीड़ हो जाए कम फिर मैं भी टिकट देखता हूँ ना, तो चलते हैं अंदर फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे बैठ रहा है टिकट 60 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट, इन पे ऊँचाई के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा, कैमरा ले जाना मना है गाइस, केवल मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखें जब भी आएँ तो आप मोबाइल से ही बनाएं वीडियो जो भी फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैमरा आपको बिल्कुल अलाव नहीं है, सो अच्छा है। टिकट बनवा रहे हैं गाइस, कुछ ऐसा टिकट बनता है आपको शायद ना देखे, चलते हैं अंदर, यहाँ पे चेक होता है एक बार ताकि सही हो जाए। ओके गाइस तो अभी हम जो मेन बोलते हैं ना, मतलब जहाँ पे सब कुछ है देखने के लिए, उसमें एंटर कर गए हैं। और अभी आपको एक बार फिर से उस साइड मॉल है, उस साइड ये पूरा सब कुछ है ना, और ये बच्चों के खेलने के लिए इसमें एक्स्ट्रा रखा है, और लॉकर भी है, अगर आपकी कोई चीज़ या फिर बैग आप रखना चाहते हैं तो 20 रुपये पे करके आप उसको रख सकते हैं। और ये यहाँ पे सूची दी हुई है यहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि स्टार गार्डन, अम्यूजियन पार्क, ताजमहल, गाइस आते ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ताजमहल का, जो आगे का गेट नहीं रहता ना, अभी चलेंगे अंदर पहले बाहर का ही देख लें, यार काफ़ी बड़ा है, टाइम लगने वाला है 4-5 घंटे, खूब एंजॉय करना है आज तो। और यहाँ पे ये भी दिया है कि अगर आप रिक्शा या ट्रेन हो जो भी करते हैं तो उसका मिनिमम आपको चार्ज भी लगेगा, पैदल ही जाऊँगा मैं तो, क्योंकि यार ऐसे मज़ा नहीं आता। ऊँट इसको देखिए, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये नाटक कर रहा हो, मतलब ये इतना अच्छा बना है, काफ़ी बड़ा है, हिरन है या फिर ऊँट है, हिरन ही है, इतना बड़ा हिरन। यहाँ पे जे जिब्रा बैठा है, भाई सर्दी तो नहीं लग रही तुमको। दोस्तों ये ताजमहल का जो द्वार है ना, और ये वाटरफॉल वगैरह बना दिए, यानी कि जो ऊपर फब्बारे चलते हैं, वाटरफॉल नहीं फब्बारे अभी, और ये स्टेचू बना है, सभी को देखें
टेंशन मत लीजिए। तो इसके साथ मैं फ़ोटो खींच लूँ ताकि इसको बुरा ना लगे, है ना। एक मिनट, ये भी बिल्कुल, ये भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि जैसे ये फ़ोटो खिंचवाने के मूड में हो। गाइस अभी अपन चलते हैं ताजमहल के अंदर, मज़ा ही आने वाला है। ये देखिए इसका पहला गेट, और जैसे ही आप उस ताजमहल में जाते हैं उसका डमी का डमी यानी कि सेम टू सेम, और यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ताजमहल दिख जाएगा। यहाँ पे भी ऊपर जा सकते हैं, फिलहाल मैं ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ से देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ गाइस इसके मतलब डमी इतना अच्छा है तो जो रियल है ना वो कैसा होगा, मतलब उसकी तो और ही बात अलग हुई। फिलहाल चलते हैं अपन पास में और एंजॉय करते हैं ताजमहल के दृश्य को यानी कि इसके व्यू को। ये देखिए उसके जैसा ही बनाने की कोशिश की गई है पूरा का पूरा, पानी इसमें कम है और ये जीव जंतु इसके आसपास घूम रहे हैं। जीव जंतु मतलब ये, और किसी को नहीं बोलना। ये यहाँ पे वो रहता है ना उसके द्वार, ये है ताजमहल। चलते हैं अंदर भी, हाथ लगा के देखूँगा कैसा लगता है ताजमहल ये। भीड़ भी है गाइस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये गाइस देखिए यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है ताजमहल। विश्वास नहीं हो रहा गाइस कि मैं ताजमहल में हूँ, भले ही डमी है लेकिन ऐसी एक इमारत, और ये देखो मतलब अब विश्वास हुआ कि यही ताजमहल। धूप बहुत पड़ने लगी गाइस, अच्छा हुआ मैं स्वेटर पहन के नहीं आया, काफ़ी लोग स्वेटर पहन के आए इरिटेट हो रहे हैं। ये चार मीनार हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, ज़रूर आइए एक बार, तो आपको आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए देखने ताजमहल को। ये है इसका बैक व्यू, कहीं से भी देख लो आपको एक साइड दिखेगा, कहीं से भी किसी भी साइड से। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीपल्स मॉल का ताजमहल, ताजमहल की टू कॉफी यानी कि डमी बिल्कुल सेम टू सेम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आइए ज़रूर आइए आप, धूप भी पड़ रही है और भीड़ भी काफ़ी है, देखिए यहाँ से वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है, और ये बना दिया है मतलब पूरा का पूरा टू कॉफी किया है इसको, अनलिमिटेड भीड़। गाइस देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा पड़ गई अभी, लाइव फ्रॉम ताजमहल। सो होप गाइस अभी तो मैंने ताजमहल तो घूम लिया है, मतलब अभी चल रहे हैं अपन ताज होटल देखने, ताजमहल तो देख लिया उसके पास में ही ताज होटल, कितना अच्छा करिश्मा है ना कि ताज होटल और ताजमहल साथ में ही कर दिए। वो देखिए वो खड़ा है, ओके आईफिल टावर भी है यहाँ पे तो। और गाइस 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 ये देखिए ताज होटल,
और ताज होटल के सामने ही है, उधर भी चलेंगे गाइस पहले इसको तो देखते हैं, इसको तो घूमते हैं।